टेंशन है ये उस बेचैनी को जाहिर कर रहा है जो पूरे देश में है, हमारे रियासत बिहार में भी हर गांव शहर मोहल्ला में ये बेचैनी है। इसलिए कहीं भी एनआरसी सीए और एनपीआर के खिलाफ कोई भी बैठक होती है, कोई भी चैन बनता है तो सारे दौड़ पड़ते हैं। हम इस बात को आज फिर वाजे करना चाहते हैं कि सीए एक जालिमाना दस्तूर और संविधान के खिलाफ, उसकी रूह के खिलाफ बनने वाला कानून है जो मजबूरियों को मजहब के खानों में बांटता है, इसलिए इसको वापस लेना जरूरी है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एनसीआर है जिसको हमारे वजीर एनआरसी जिसको हमारे वजीर दाखिला ने और दूसरे लोगों ने 9 बार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर कहा है कि इसके जरिए हम यहाँ के लोगों को बाहर निकाल, और इसी से जुड़ा हुआ एनपीआर है जिसमें ये बात इस एक्ट के शिव 3 और 4 में ये बात क्लियर कही गई है कि एनपीआर से एनआरसी को लिया जाएगा। इसलिए हम वाजे तौर पर इन दोनों का मुतालबा करते हैं कि इनको वापस लें, इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देश के सारे लोग इन कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं जो एनपीआर या एनआरसी या सीए के जरिए ये मरकज की सरकार और जिसमें उनकी सहयोगी पार्टी है। हम केरला के मुख्यमंत्री की सताइश करते हैं, तारीफ करते हैं कि उन्होंने असेंबली में सीए बिल को वापस कराने की अपील की, उसकी प्रस्ताव रखा, उस तजवीज़ को मंजूर किया। इसलिए हम सारे ही रियासतों के मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि केरल के तर्ज पर वो अपने यहाँ भी असेंबली में इस तरह की तजवीज़ पास करें और इस तरह के जालिमाना कानून को वापस लेने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें। और हम मुख्यमंत्री बिहार से अपील करेंगे कि पुलिस का जुल्म बिहार में भी तहरीक चलाने वालों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। कल रात को इकबाल हॉस्टल से एक लड़के को पुलिस ने फहीम को पुलिस ने जाकर पकड़ लिया, जबकि उसके खिलाफ पहले से कोई चार्ज नहीं, कोई FIR नहीं। फुलवारी शरीफ में भी ऐसे हो रहा है, औरंगाबाद में भी ऐसे हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि बिहार को यूपी पुलिस के तर्ज पर ले जाने की अनुमति नहीं दें। यहाँ की पुलिस को, पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए है, न कि लोगों को मारने के लिए, उनके सामान को तोड़ने के लिए, लोगों को डरा और खौफ दिलाकर उनको बिला कसूर पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। इसलिए तत्काल और फौरी तौर पर वो उस पर पाबंदी लगाएं। हम होम सिक्योरिटी से भी कहेंगे और जो पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी कि पुलिस को वो कंट्रोल करें और इस तरह की चूज नहीं दें, वरना बिहार में उस तरह की अनार्की बढ़ेगी जैसे यूपी में बढ़ रही है। और फिर आवाम सेंटर के बजाय बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी जैसा यूपी में हो रहा है, इसलिए बिहार को उससे बचाने की कल वजीर दाखला का बयान आया कि कुछ भी हो जाए इस फैसले से हम पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच भी इसको वापस। जो फासिस्ट ताकतें होती हैं और जिनके नजरियात गलत होते हैं वो इसी तरह डराने और धमकाने की बात करते हैं। हुकूमत आवाम के लिए होती है, आवाम के चुनने से हुकूमत बनती है, आवाम जो चाहेगी वो उनको करना पड़ेगा उनके कहने से। वो तो ये भी कहते रहे हैं, 9 बार कह चुके हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर के हम NRC ला कर रहेंगे, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने रामलीला मैदान से लाखों के मजमे में बार बार कहा कि NRC पर कोई चर्चा ही नहीं। तो कौन इसमें झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका तो पता ही नहीं है। इसलिए ये तो वजीर दाखला की कल के बयान को तो क्लियर करेंगे प्राइम मिनिस्टर ही, इसलिए कि वही आजकल ये जो होम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, जब 9 बार ये कह चुके हैं तब वो 1 बार वो बोलते हैं। तो अभी तो 1 ही बार कल उन्होंने कहा है, 9 बार जब ये बोलेंगे तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर 1 बार उसका खंडन करेंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है, जो आवाम का गुस्सा है
वो गुस्सा भड़कता रहेगा और पूरे मुल्क में ये गुस्सा ऐसा भड़केगा कि हुकूमत देख लेगी कि हुकूमत अपनी ज़मीन पर कायम रहती है कि आवाम अपनी ताकत पर जो है और अपने नज़रिए पर कायम रहती है। हम लोग तो अभी जो NRCA ये जो आया NPR जो आया नागरिकता संशोधन बिल हुआ इस सब के को लेकर जो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उस पर रखने वाली है तो हम लोग उसकी पहले सुप्रीम कोर्ट से अपील के लिए बैठे कि जो भारत के लोग हैं और यहाँ के लोगों का संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट बचाए, संविधान को एक तोड़ने की पूरी साजिश हो रही है और आज ये नागरिकता प्रमाणित करने का कि हर लोग करें तो ये तो असंभव बात है। जिस देश में आज भी लोगों को घर नहीं है रहने का, लोगों के पास दो टुकड़ा ज़मीन नहीं है जहां वो घर बना सके, सरकार इतनी योजनाएं करते रही हैं नहीं कर पाई हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं सड़क बनाते हैं निर्माण के काम में लगे हुए हैं, जो महिलाएं हैं आदिवासी समाज है घुमंतू समाज है ये तमाम सारे लोग जो दलित पिछड़े हैं वो कहां से दिखाएंगे ये कि हमारे पूर्वज कहां रहते थे। और अगर हम लोग कोई मतलब ऐसे बोलिए तो कोई भी आज अपना चार पुस्तक का भी नाम नहीं बता सकता है। और महिलाओं की तो स्थिति और तो ये सब जोड़ लें हम लोग तो ये बहुत बड़ी आबादी है जिसको ये लोग करेंगे। और इसका एक प्रयोग तो इन लोगों ने आसाम में किया और आसाम में करने पे 19 लाख जो लोग नागरिकता खोए उसमें 14 लाख हिंदू हैं। तो इस पूरे इसको जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इस सरकार की जो दृष्टि है वो ये है कि जो ये वोटर हैं जो नागरिक हैं जिनके वोट से ही जीत के जाकर बैठे हैं दोबारा ये प्रधानमंत्री बने वो लोग जो आज महंगाई का सवाल उठने लगा है जो जन मुद्दे जो है किसान का सवाल है जमीन का सवाल है बेरोजगारी का सवाल है जो आर्थिक मंदी का सवाल है ये जब उठने लगा तो ये इन लोगों ने ये लाया और ये पूरा इनके फासिज्म का उसको लागू करने का ये एक माध्यम है कि ये देश में फिर से एक देश को तोड़ने और उसको संविधान को खत्म करने के लिए डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए। तो ये जनसंघर्ष स्वतः स्फूर्त तरीके से भारत के हर जगह ये खड़ा हुआ है मतलब उत्तर से पश्चिम आपको पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम जगहों पर और 74 आंदोलन के बाद पहली बार इस तरीके से युवक युवतियों का सड़क पर विरोध शुरू हुआ है NRCA और इसको लेकर और ये बहुत पॉजिटिव है। और नरेंद्र मोदी वगैरह आज जो बने हुए हैं ये लोग 74 आंदोलन के में थे ये लोग और इन लोगों ने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़के 77 में वो इमरजेंसी खत्म किया और ये फिर वो उसको क्योंकि इनके इनकी जो इनका जो पूरा विचार है ये विचार ही फासिज्म पे रखा हुआ है और ये समाज को तोड़ने और पूरे समाज को खत्म करने का इनका है। हम लोग इसलिए इस आंदोलन को लगातार चलाएंगे कि जब तक ये रुके नहीं क्योंकि कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता खुद से भी मतलब जो लोग हैं जिनके पास कोई आधार नहीं अब आधार कार्ड का इतना हुआ आधार कार्ड 98% तक लगभग बनना तो ये पीएनआर नहीं मानेंगे आधार नहीं मानेंगे लाल कार्ड नहीं मानेंगे जन्म वितरण वाला नहीं मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे आई कार्ड नहीं मानेंगे वोटर आई कार्ड नहीं मानेंगे और फिर ये नया शुरू जो कर रहे हैं उसके पीछे यही। और हमको याद है कि जब चुनाव हो रहा था पिछला इस बार लोकसभा का 19 में तो बीजेपी के एक MP इस बात को रखे थे कि अंतिम चुनाव आगे 24 चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसका ये हिस्सा है ये नागरिकता आप अपना नागरिक साबित करें। हम क्यों साबित करें हम तो इस मिट्टी में पले बड़े हैं इसी जमीन पे पैदा हुए हैं यहीं के सारे लोग हैं तो ये जो सवाल उठाए ही हैं ये कि ऐसे जो वोटर हैं जो बगावत कर सकते हैं जो अपने मुद्दों पर अपने सवालों पर वो आंदोलन करेंगे सरकार से डिमांड रखेंगे नौजवान आज
सड़क पर क्यों होते, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मामला है। तो ये सब मामलों को लेके इन तमाम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका मामला है कि उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए और मुट्ठी भर जो चंद लोग हैं जो उनके समर्थक हैं वो उनको वोट देते रहेंगे, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये जो पूरा इसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग मानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये पूरा समाज में वो जितना भी कहें लेकिन ये गरीबों की लड़ाई है, ये समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, ये उनका मामला। और आप देखिए महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में हर जगह से तो इस तरीके से निकल रही है। प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों को एक साथ देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि भारत की जो गरीब जनता है, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में भूमिहीन गरीब हैं, घुमंतू समाज है, आवासहीन लोग हैं, ये कोई भी अपना नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। और फिर बाद में जो ये CA लाया गया है, इन सब का फिर उसमें प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, ये सभी डिटेंशन कैंप जाने के खतरे में होंगे। और जब अभी ही किसी का ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार जो है, उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो जो देश के नागरिक नहीं उनकी सुरक्षा मानव अधिकार की कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये एकदम गरीब विरोधी कदम लगातार चला रही है ये सरकार। नहीं, ये जो अभी मामला है ये किसी जाति विशेष के लिए ही है या संपूर्ण भारत नागरिक के लिए, इसके बारे में बताइए। ये संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी समुदाय विशेष में बात करें तो समुदाय विशेष में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा वो दलित समाज को होगा, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा लोग हैं जो पलायन करके बाहर जाते हैं काम करने हैं, या आदिवासी समाज को होगा क्योंकि उनमें भी बहुत पलायन करते हैं बाहर जाते हैं, और ये दोनों तो मूल निवासी हैं, यहीं के जन्मे, इसी मिट्टी के हैं, और बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग अब इनको ही बाहर खदेड़ने का पूरा प्लान बना रहे हैं। महिलाएं कैसे साबित करेंगी, सभी समाज की महिलाएं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, चाहे किसी भी और समाज की महिला ही क्यों ना हो, सभी समाज की महिलाओं को अपना कागज दिखाने में अपना प्रॉब्लम होगा, दस्तावेज जुटा के दिखाने में किसी के पास दस्तावेज नहीं होंगे, जिस तरह की दस्तावेज की ये बात कर रहे हैं। इतनी मुखालफत के बावजूद जिस तरह से यह सरकार बयान दी है कल, वो बहुत अफसोसनाक है। ये एक तरह से जनता वर्सेस सरकार के बीच लड़ाई ठन गई है। जनता कानून पर विचार करने को कह रही है, विचार करने का अख्तियार है, जब सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला सुनाता है तब भी उसमें रिव्यू पिटीशन दिया जाता है, जब 11 बेंच का भी फैसला चीफ जस्टिस भी सुनाता है वहाँ भी पुनः उसको समीक्षा किया जाता है अगर किसी को एतराज़ है। यह सरकार कोई किसी तरह का कंसीडर ना करते हुए कल का जो बयान सरकार का आया है कि पूरा मुल्क का लोग भी अगर इसके खिलाफ में आ जाए, तमाम राजनीतिक पार्टी खिलाफ में आ जाए तब भी इस कानून को लागू करेंगे, ये बहुत अफसोसनाक है। ये सीधी लड़ाई अब हो गई है कि देश की 130 करोड़ जनता और यह सरकार, बात किसकी चलेगी, अभी बात यहाँ पे ठन आई है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब झुकना ही पड़ेगा क्योंकि अब यह मामला किसी एक धर्म जाति विशेष का नहीं रह गया है, वो इसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे लेकिन जनता समझ गई है और ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर चलेगी जब तक यह काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता है। और NRC के बाद जो NPR का भी कैबिनेट ने फैसला किया, यह भी पूरी तरह से, अभी मेरे पास कागज़ है जो गृह मंत्रालय का कागज़ है, गृह मंत्रालय के कागज़ में साफ तौर पर इस गृह मंत्रालय के कागज पे लिखा हुआ है कि हम जो NPR ला रहे हैं वह NRC का पहला स्टेप है। इसमें साफ गृह मंत्रालय का कागज जो अभी अभी आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं वो NPR के बारे में कहता है कि स्पष्ट रूप से आप एक सेंटेंस को भी देख सकते हैं कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ द नेशनल रजिस्टर सिटीजन, मतलब ये पहला स्टेप है जो करता है। तो जब NRC का विरोध पूरे देश में हो रहा है तो NRP को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट से बिहार सरकार को भी जल्द से जल्द उसको असेंबली बुला करके घोषणा करना चाहिए, मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। जैसे वैसे तो मुख्यमंत्री ऐसे भाजपा और RSS के एजेंडे पे चले गए हैं, लोगों को काफ़ी एतराज़ है, यकीन नहीं रहा, फिर भी
अभी मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ के पब्लिक का डिमांड है कि एनपीआर पे भी मुख्यमंत्री को साफ तौर से, जिस तरह आपको अभी बंगाल ने कहा कि हम नहीं करेंगे, केरला इस देश का सबसे शिक्षित कोई देश राज्य है तो वो केरल, केरल ने स्पष्ट रूप से विधानसभा बुला करके तमाम राजनीतिक पार्टी जहाँ 100% लिटरेसी है, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बरगलाया जा रहा है, देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, और वहाँ के तमाम विधायकों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक फैसला लिया है कि हम एनपीआर एनआरसी या किसी तरह का ये लागू नहीं करेंगे। सिर्फ एक एमएलए उसके अगेंस्ट में गया, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टी चाहे किसी विचारधारा की इस एनपीआर का विरोध किया है कि हम केरल में लागू नहीं करेंगे। तो जब सब शिक्षित लोग इस पे आगे आ रहे हैं तो फिर हम लोग को भी अब आगे आना ही है और सब देश को मानना ही है। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम, महकूमों के पाँव तले आ हम महकूम। ATN Live।